हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मतलब फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया है तो जूलॉजी का जो सिलेबस रह रहा था आपका, हालांकि मैंने एक वीडियो में पूरा बताया था लेकिन आपने नहीं देखा था, तो स्पेशल बीएससी फर्स्ट ईयर में आए हो तो फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ रहे होंगे, उसमें आपको जूलॉजी का क्या सिलेबस रहने वाला है वो मैं आपके सामने कम्प्लीट बता रहा हूँ। तो देख लो, आपके सामने सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होता है। बुक का नाम है एनिमल डाइवर्सिटी, जैव विविधता, और यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान अलवर भरतपुर सीकर राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, उन सबका तो सिलेबस यही रहने वाला है। लेकिन राजस्थान में जितनी भी यूनिवर्सिटी है लगभग सब में यही सिलेबस रहने वाला है, इसलिए जरूर देख लेना। अब यहाँ पे ये सब कुछ है। सबसे पहले आपका सेक्शन ए आता है, लोअर इनवर्टिब्रेट्स, अकशेरुकी, निम्नतर मतलब कि नीचे वाले अकशेरुकी। उसमें जो पहली यूनिट है वो पढ़ेंगे प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ, उसके जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन, लोकोमोशन प्रोटोजोआ में कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। सेकंड है पॉरीफेरा, उसमें भी वही चीज़ें पढ़ेंगे, जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन है कैनाल सिस्टम, इसमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है, एस्कन साइकिल, लिवन ड्रैगन, ये चार टाइप का होता है, मैंने बोल दिया। सिलिंड्रेटा पढ़ेंगे, इसे नीडेरिया भी बोला जाता है, जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म एंड हाइड्रोजोआ, इसमें जो स्टेप आती है ना पॉलीप मेडूसा, वो पढ़ने वाले हैं। अगला ये जो यूनिट है अपनी हेलमेंथीज, आपके चार सेक्शन होने वाले हैं, चारों सेक्शन में चार चार यूनिट होने वाली है। हेलमेंथीज, प्लेटी हेलमेंथीज, जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन, सेल साइकिल, टीनिया एंड पैरासिटिक एडेप्टेशन, कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। निमेटी हेलमेंथीज, जनरल कैरेक्टर्स है ना। फिर आता है सेक्शन बी, उसमें हायर इन्वर्टिब्रेट्स आते हैं, उसमें एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा पढ़ने वाले हैं, उन सब के वही जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में आता है सेक्शन सी, लोअर वर्टिब्रेट्स। लोअर वर्टिब्रेट्स का मतलब क्या होता है, निम्नतर कशेरुकी मतलब कोडेटा, उसमें पढ़ने के प्रोटोकोडेट्स, एग्नेथा, फाइसिज, एक्वेटिक एडेप्टेशन इन फिशेज। फिर आता है अपना सेक्शन डी, हाइयर का मतलब हाई, ज़्यादा वर्टिब्रेट्स, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एबीज और मैमल्स, ये सब कुछ आप पढ़ने वाले हो बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के अंदर। समझ आया आपको, बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के अंदर ये पढ़ने वाले हो। सिलेबस है आपका ये कंप्लीट जूलॉजी का ये आपका सिलेबस रहने वाला है बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में। तो अब आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आप ये सब कुछ सिलेबस नोट कर चुके हैं, एक मिनट में बता दिया, मैंने टाइम वेस्ट नहीं लिया आपका, टॉपिक बता दिया क्या क्या पढ़ेंगे। अगर आप बीएससी की ऑनलाइन क्लासेज लेना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट बीएससी की जितने भी सब्जेक्ट है वो सब कुछ पढ़ाता हूँ। नंबर है 88 24 59 31, इस पर आप कांटेक्ट कर लेना, आपको बीएससी की क्लासेस मिल जाएगी। पीसीबी हो आपका मतलब ट्वेल्थ में पीसीबी था तो आपका चलेगा सीबीजेड, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री। अगर आपके पास ट्वेल्थ में पीसीएम था तो आपका चलेगा पीसीएम बायोलॉजी से, सॉरी पीसीएम भी मैथ में यही चलने वाला है, बीएससी में यही सब्जेक्ट चलेंगे, उसमें थोड़ा ये हो जाता है, बस इतने से आपका फ़र्क है, बाकी आपका कुछ भी फ़र्क नहीं होने वाला है। आप देख सकते हैं ये आपका कंप्लीट सिलेबस के बेस पे चलता है। बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लासेस का इन्फॉर्मेशन दे दिया, क्लासेस मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह एग्जाम से पहले मैं कंप्लीट इस चैनल पे डाल दूंगा, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना जिससे आपको सब कुछ हेल्प यहाँ से मिलता रहेगा टाइम टाइम पर। तो बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस मैंने आपको जूलॉजी का बता दिया है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना जिससे आपको पता चल जाएगा। बॉटनी का केमिस्ट्री का मैंने डाल दिया है, क्लासेज चल रही है उनको देखते रहो, बाकी ये आपका सिलेबस होने वाला है। तो कोई ना, अब वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।